नमस्कार, मैं हूं नीलम तिवारी। आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार। 2017 में पढ़ाने आए, 2014 से बिल्डिंग का काम चालू था। 5 साल बिल्डिंग के बाद काम हुआ, 4 स्लैब पड़ा है, तो उसके बीच में आके हम लोग को बता सकते थे। सर ये ना एकदम नाइंसाफी हो रहा है, यहाँ 100% सब उत्तर भारतीय है। पूरी तरह से बिल्डिंग तैयार होने के बाद ही क्यों करती है मन पर तोड़ कार्रवाई। विकास योजना के अंतर्गत टेमघर स्थित तोड़क कार्रवाई के लिए मनपा ने लगाया नोटिस। इस बिल्डिंग में लगभग सभी उत्तर भारतीय लोगों ने कराया है बुकिंग। मनपा के तोड़क कार्रवाई के नोटिस लगते ही न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं बिल्डिंग के रहवासी। बता दें, भिवंडी मनपा प्रभाग समिति 2 के अंतर्गत टेमघर स्थित सिद्धि विनायक के सामने बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है, जिसमें बालमुकुंद शुक्ला के भाई ने भी घर लिया है, जिसे लेकर बालमुकुंद शुक्ला ने बिल्डर व नगर पालिका के अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि जब बिल्डिंग बन रही थी उस समय ये लोग कहाँ थे, बिल्डिंग बनने से लेकर अब तक कहाँ थे मनपा के अधिकारी। इसी संदर्भ में बालमुकुंद शुक्ला ने क्या कहा, आइए देखते हैं इस खबर में। तकलीफ ये है, 2014 में यहाँ बात काम चालू हुआ, बैनर पोस्टर लगा के सब बिल्डिंग के पंपलेट बांट रहे थे, तो अपन लोग टेम घर एरिया देखे, अच्छा एरिया यार, बहुत अच्छे लोग सब रहते थे, इसके लिए अपन लोग सोचे कि यहाँ घर लेने ले लेंगे, अपने लोग को कोई आगे कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। तो सब लोग अपना एक एक रुपये इकट्ठा करके यहाँ जो है बिल्डर से मिल के घर लिए, 2014 से घर लिए, 14 से बाद काम चालू था। बिल्डर हम लोग को बोला कि सब पेपर है और यहाँ पे 712 का बताया, 712 का जमीन है, कोई दिक्कत नहीं है, महानगर पालिका से अपन पेपर निकाले, रुचि है जो पेपर है, हम लोग को दिखाया नहीं, हम लोग को बताया कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 14, 15, 16, 17 तक काम चला, 17 के बाद हम लोग को पोजीशन दिया, पूरा पैसा लेने के बाद किसी का 5% बाकी था, किसी का 10% बाकी था, बोले कि पोजीशन देने के पहले हमको पूरा पेमेंट चाहिए 100%, तो 5% कोई बोला भाई रजिस्ट्री करेंगे तो कोई 10% के बाद ऐसा ऐसा सब पैसा दिए। 2017 में लोग घर पे आए, 2017 से रहना चालू किए, 17, 18, 19 और 20 में 21 चल रहा है, 21 में अभी एक महीना के पहले एक नोटिस आ रहा है, उसमें बोल रहे हैं कि भाई ये डीपी प्लान में है। तो सर 4 से 5 साल तक काम चला, 14, 15, 16, 17 5 साल बाद काम हो रहा है, महानगर पालिका के जो कर्मचारी आ रहे हैं रास्ता मेन रोड पे ही सब देख रहे हैं, ताकि उनकी निगरानी में काम हो रहा है, 5 साल तक कोई नहीं बोल रहा है। अभी जो है नोटिस आ रही है कि हमारे यहाँ की जो है महानगर पालिका के आदेश के अनुसार ये बिल्डिंग टूटेगी, कुछ भी नहीं बचने वाला है। तो सर यहाँ पे लोग एक एक रुपये इकट्ठा करके, किसका घर 18 लाख में पड़ा है, किसका 14 में पड़ा है, किसका 16 में पड़ा है, किसका 21 में पड़ा है, नीचे लोग गाला भी लिए हैं, ऊपर रहने के लिए घर लिए हैं। अभी ऐसे करके 2 जन 3 जन का रजिस्ट्री भी हुआ है, विनोद गुप्ता इनका भी रजिस्ट्री गाले का घर का हुआ है। अभी ऐसे पोजीशन पे कोरोना काल के दौरान में लोग बोल रहे हैं अभी जगह पर 2 दिन के अंदर घर खाली करो, यहाँ लोग खाने पीने के लिए मर रहे हैं। अभी यहाँ का पोजीशन, बॉम्बे का पोजीशन ये है कि जो कि सुबह और शाम खाने के लिए आदमी एक एक व्यवस्था कर रहा है, घर का व्यवस्था कर सीधा दादागिरी से घर खाली करो, घर इसे तोड़ देंगे। इसको किसको मिले हैं आप? इस चीज़ के लिए हमने महानगर पालिका में गया, वहाँ अर्जी दिया, मैंने शांतिनगर पुलिस चौकी में गया, तो वहाँ के साहब बोले कि देखो ये हमारा यहाँ पे ये नहीं है, आप सिविल मैटर है, सिविल मैटर में कोर्ट में जाओ। मैंने कोरोना काल को देखते हुए कोर्ट में गया और जा रहे हैं। बाकी आप लोगों से गुजारिश है कि आज 5 साल जो बांध काम हुआ, आज चुल्लू बिल्डर करके दीवान साहब से बिल्डर आया, एक वहाँ के जो है जो जमीन लिए थे सुरेंद्र यादव, उनको जो है दिए बनाने के लिए, ये लोग मिल के हम लोग को बोले पेपर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका लोन होगा 50% पेपर होगा, लेकिन इसमें जो भी लिए हैं कोई 8वीं पास नहीं है, सब उनके कहने के अनुसार और बोलने के हिसाब से सब चले। दूसरी बात ये रजिस्ट्री भी हुआ है, ये बिल्डिंग में रजिस्ट्री भी कराए, मीटर का पावती भी है। आज 4 साल 5 साल रहने के बाद ऐसे अचानक उसको मालूम पड़ रहा है, उसमें तो 1 जन 2 जन उनका हालत हुआ कि एक 10 दिन 15 दिन हॉस्पिटल में रह के आए,
एक एक रुपए इकट्ठा करने के बाद ये पोजीशन हो रहा है कि तुम्हारा घर टूटेगा, उनके ऊपर ये हालत हो रही है जिसका कोई बाकी और कोई बात सुनने के लिए आगे आ ही नहीं रहा है। मनपा आयुक्त से मिलेगी नहीं आपका? मनपा आयुक्त के पास गए हम लोग दो बार, बोले कोरोना काल में साहब नहीं मिल पाएंगे उनको। इसके बाद हमने लेटर दिया, लेटर जो है हमारे पास है, उनको लेटर दे के आए हैं। बाकी नक्शा जो है यहाँ का निकाले, नक्शा में 2000 बोल रहे 2003 से है, तो 2003 से ये प्लान नहीं था। अभी उसके बाद जो है नोटिस आया, ये रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री कर रजिस्ट्री आज से 4 महीना पहले रजिस्ट्री हो रही है, बिल्डिंग की रजिस्ट्री हो रही है, और उसके बाद रजिस्ट्री के बाद बोल रहे हैं कि बिल्डिंग टूटेगी। 1,60,000 सामने वाला जो है रजिस्ट्री कराया, अभी ये पास लेटर दिए सर, ये ना एकदम अपना इंसाफी हो रहा है। यहाँ 100% सब उत्तर भारतीय हैं जो कि एकदम पढ़े लिखे नहीं हैं, लोगों के कहने से, और एक टेमगढ़ एरिया अच्छा एरिया था, लोगों को यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, लोगों को देख के यहाँ पे सब ये समझ के आए थे कि हाँ हमको आगे कोई आने वाला तकलीफ नहीं होगा। टेमगढ़ का नाम सुन के लोग आए थे, लेकिन क्या करें यहाँ के रहवासी भी बहुत, उनको भी टेंशन है, लेकिन ये जो यहाँ के महानगर पालिका के आगे जो 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 जो कर्मचारी थे वो लोग क्या कर रहे थे, अगर ऐसा था तो ये बोर्ड लगा देना चाहिए था, लोगों को जानकारी देना था। लोग आते भी थे, आते थे बिल्डिंग में, आके जाके मिल के चले जाते थे, बिल्डर हम लोग को गुमराह करता था कि मतलब कि देखो म्यूनसिपालिटी काम चालू है, लोग सर्वे करने आ रहे हैं, पूरा इंक्वायरी कर रहे हैं, असिस्मेंट भी मिल जाएगा, एनओसी भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा आपको। इसके आगे हम लोग को गुमराह किया गया, रजिस्ट्री भी कराया। स्थानीय नगर सेवक और विधायक के पास गए थे क्या? हाँ, स्थानीय नगर सेवक के पास भी गया था, विधायक के पास भी गया था। स्थानीय नगर सेवक बोले कि ठीक है देखते हैं हम, इसमें प्रोसीजर चालू है। स्थानीय नगर सेवक जो है सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ की जो है और भी जनता है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यही बोल रहे हैं महानगर पालिका टीपी में गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। इसी तरह हर खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।